नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार प्लस और मैं हूं आपके साथ रत्नेश। बिहार सरकार ने विश्वविख्यात सहनाई वादक बिस्मिल्ला खां के नाम पर बक्सर के डुमराव में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इस प्रस्तावित यूनिवर्सिटी की स्थापना कला और संस्कृति विभाग की पहल पर होगी, जिसके लिए तकरीबन 10 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव दिया गया है। दरअसल सरकार मशहूर कलाकारों के बारे में भावी पीढ़ी को अवगत कराना चाहती है, इसी मकसद से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्मों से लेकर उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए बहुत सारी गतिविधियों को मूर्त रूप देने की योजना है। बिहार के कला और संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने पटना में बताया कि प्रथम चरण में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मंत्री ने बताया कि बिहार के दिग्गज कलाकारों ने जिस तरीके से विश्व भर में नाम रोशन किया है, ऐसे में हम सब का दायित्व बनता है कि इन विभूतियों के लिए हम कुछ करें। आपको बता दें कि शहनाई की गूंज केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहुंचाने का श्रेय शहनाई के जादूगर भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां को जाता है। शहनाई के जादूगर माने जाने वाले उस्ताद बिस्मिल्ला खां के संगीत की उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। 1980 में पद्म विभूषण, 1968 में पद्म भूषण और 1961 में पद्मश्री सम्मान से भी उस्ताद को नवाजा जा चुका है। बता दें कि बिस्मिल्ला खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमराव में एक बिहारी मुस्लिम परिवार में हुआ था। बिस्मिल्ला खान का बचपन का नाम कमरुद्दीन था। वे अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। चूंकि उनके बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन था, इसलिए उनके दादा रसूल बख्श ने कहा कि बिस्मिल्ला खान, जिसका मतलब था अच्छी शुरुआत। आप देख रहे हैं बिहार प्लस। बिहार प्लस पे जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए बिहार प्लस के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।